बात करेंगे धनबाद की। धनबाद में संजीव सिंह को दुमका धनबाद जेल से दुमका जेल शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान भारी संख्या में वहां पे समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। और आपको बता दें कि नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी हैं संजीव सिंह, तो संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। नीरज सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं संजीव सिंह, जेल गेट पर इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिले। संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट किया करने की बात थी, जिसको लेकर के गाड़ी रवाना हो चुकी है और अभी हम हैं जो कि जेल गेट के बाहर में खड़े हुए हैं। उनके कुछ समर्थक हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या वजह रही कि जेल आईजी ने 12 बजे रात के बाद लेटर जारी करके उन्हें दुमका शिफ्ट करने का आदेश दिया और जिसको लेकर के समर्थक को क्या कहते हैं। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या ये वजह रही। हमारे साथ कुछ समर्थक है, मनीष जी बताएंगे क्या ऐसी वजह रही कि रात में जेल आईजी की तरफ से लेटर जारी करके उन्हें दुमका शिफ्ट करने का आदेश है। ये तो वजह जिला प्रशासन जेल प्रशासन बताएगा। जहाँ तक ये सवाल है इनकी शिफ्टिंग का, तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश और दबाव के कारण लिया गया निर्णय है। क्योंकि कोई भी अगर अभियुक्त या कोई भी अपराधी अगर आप बताए या कोई भी जेल मैनुअल या किसी भी तरह की घटना में इस तरह की संलिप्तता, जिसको कि जेल मैनुअल का उल्लंघन कहा जा सकता है, या जेल प्रशासन को यह कभी लगा कि जेल प्रशासन को उन्होंने मदद नहीं किया, या कोई भी साजिश में अगर उनको उनका बात आता है, या अभी जैसे पता चल रहा है कि सुरक्षा की बात की जा रही, भैया तो इतने दिनों से कैसे सुरक्षित थे और दुमका में किस तरह की सुरक्षा दुमका जेल में मिल जाएगा। जिला प्रशासन का जेल प्रशासन का यह सोची समझी साजिश और दबाव के कारण लिया गया निर्णय है, जिसका हम लोग काफी पुरजोर विरोध करते हैं और आज हम ये मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार इस निर्णय को वापस ले, जेल प्रशासन वापस ले और संजीव बाबू को यहाँ पर शिफ्ट करे। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जेल प्रशासन है वो जो है कि आपका दबाव में किसी के दबाव निश्चित रूप से दबाव तो है, निश्चित रूप से दबाव, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति किया जा रहा है। आप बताइएगा अगर देखा जाए तो सुरक्षित जो धर्मादे हमारे विधायक जी थे और दुमका जेल में सुरक्षित नहीं है। और इसके लिए हम लोग शायद बड़े भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखे हैं, आगे चलकर अगर आंदोलन करना हो तो हम आंदोलन के लिए रोड पे उतरेंगे। अच्छा मानस जी, हम आपसे समझने का प्रयास करेंगे कि धनबाद जेल में संजीव सिंह थे तो किनको डर था जिसके वजह से दुमका जेल शिफ्ट कराया? किसी का डर नहीं, ये कहीं ना कहीं जेल प्रशासन अपने आप को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। जो एक पूर्व विधायक को, एक ऐसा फिगर को जो पॉपुलर फिगर है, और आप बोलते हैं उसकी सुरक्षा का कारण भी धनबाद जेल में नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो शोचनीय विषय, जेल प्रशासन को ऊपर खुद का प्रश्न चिन्ह लग। क्या लग रहा नहीं कहीं ना कहीं जेल प्रशासन जो है राजनीतिक के दबाव, राजनीतिक और पूर्ण रूप से दबाव में, क्योंकि केस अभी जो केस है वो निर्णय की ओर है और फैसले की ओर है। तो कहीं ना कहीं ये दुमका जेल जाएंगे तो अपने वकीलों से अपने समर्थकों से दूर रहेंगे, इस कारण से इस तरह का कि ताकि केस को डिले किया जाए। एक बात और सामने आ रही है कि विधायक जी का जो केस अभी चल ही रहा था वो न्यायिक परिदृश्य में था, इसके बावजूद जेल प्रशासन का इस तरह का रवैया, क्या कहें? बिल्कुल, होटवार जेल से यहाँ धनबाद शिफ्ट किया गया था तो रांची हाईकोर्ट के आदेश से किया गया था। ये कौन सा कोर्ट आपका, क्या उस कोर्ट का आदेश का आपने अवहेलना किया है? आपने किस तरह का सुरक्षा, बार बार सुरक्षा की बात कर देते हो और उनको शिफ्ट करने, हम कल अर्जी दिए हैं कि उनका तबीयत खराब है, उनको कहीं अच्छे जगह पर अस्पताल में दिखाने की आवश्यकता है, अच्छे डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। वैसी स्थिति में अचानक से इस तरह का निर्णय लेकर भेज देना कहीं ना कहीं, और जहाँ तक सुरक्षा की बात करता है जेल प्रशासन, तो ये खुद अपने ऊपर सवालिया निशान कि क्या बाकी से बाकी जो भी कैदियां हैं वो भी असुरक्षित हैं, उनको भी दुमका जेल शिफ्ट कर दोगे? तो मतलब जो आज दुमका जेल से ज्यादा सेफ्टी जगह पर ये है धनबाद जेल, और यहां प्रशासन की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं दुमका जेल से ज्यादा है। कुल जैसा कि जो समर्थक हैं वो आरोप लगाए हैं कि जो ये मामला राजनीतिकरण ही है जिसके वजह से कहीं ना कहीं जेल प्रशासन जो है अचानक इस तरह का निर्णय लेना और अगले दिन ही संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट कर देना, तो कहीं ना कहीं पूरा जो विवाद है राजनीतिकरण से जुड़ा हुआ दिख रहा है।